स्वागत है आप लोगों का जनधन खाता के सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां पर आप लोगों को बताते हुए काफी खुशी हो रही है, जिन लोगों का भी जनधन खाता है और उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन लोगों को उनके जनधन खाते में 5,000 रुपए की धनराशि मिलना चालू हो चुकी है। कई लोगों ने अपने मोबाइल में मैसेज प्राप्त किया कि कैसे उनके जनधन खाते में उनको सरकार की तरफ से मिले हैं पूरे 5,000 रुपए की धनराशि। और अगर ये पैसा आपको नहीं मिला है तो आप लोग मत घबराइए, एक आवेदन करना है, इस तरीके से आवेदन करना है और आपको भी मिलना चालू हो जाएगी 5,000 रुपए की धनराशि सीधे आपके जनधन खाता में। और इसी के साथ आपको बता देना चाहते हैं, आपके घर में महिला है, कन्या है, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उनको आने वाले 5 महीने तक 1,000 रुपए की धनराशि भारत के इन इन राज्यों में मिलेगी। भाइयों बहनों, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा, ताकि आज आप लोगों को पता चल सके कि कोरोना काल के संकटमय समय में भारत सरकार ने किन किन सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अगर आप लोग एक आवेदन कर देते हैं तो आप लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा, मुफ्त मकान मिलेगा और आपके जनधन खाते में सीधे धनराशि आर्थिक मदद के रूप में भारत सरकार की तरफ से मिलेगी। भाई बहनों, हम एक एक अपडेट भारत के हर राज्य हर जिला के बारे में लेके आए हैं। भाई बहनों, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारी योजनाएं चल रही, जिसमें से सबसे बड़ी सरकारी योजना यह है कि अगर आपका जनधन खाता है तो उसमें आपको 5,000 रुपए मिलेंगे भारत के इन इन राज्यों में। तो अगर आप हर सरकारी योजना से अपडेट होना चाहते हैं, अपना नाम और अपने जिले का नाम तुरंत जाके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, ताकि आपके जिला में कोई भी सरकारी योजना आए वो हम आपको सबसे पहले बता दें और आप लोग अपने और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर पाएं। हमारे चैनल पे सिर्फ सरकारी योजनाएं और सरकारी अपडेट के बारे में खबर बताई जाती है और लोगों को आगाह किया जाता है कि आप लोग इस तरीके से आवेदन करके हर सरकारी योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, तुरंत अपना नाम और जिले का नाम कमेंट बॉक्स में डाल दें, वीडियो लाइक कर दें ताकि आप लोग और हम लोग आपस में जुड़े रहें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब आप लोगों को बता देना चाहते हैं भाई बहनों, कोरोना काल के संकटमय समय में भारत के अलग अलग राज्यों में भारत के अलग अलग राज्य सरकारों ने बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें आपके जनधन खाते में कैसे आपको 5,000 रुपए मिलेगा, आपके घर की महिला कन्या को कैसे आने वाले 5 महीने तक 1,000 रुपए की धनराशि मिलेगी, उसके बारे में पूरी अपडेट आपको हम बताते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये है, जो आपका जानना जरूरी है, ये सुविधा और ये सरकारी योजना का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होगा। अगर आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में है तब ये वीडियो मत देखिए, हम आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, आपका समय हम नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ये वीडियो तभी देखिएगा जब आप लोग गरीबी रेखा में आते होंगे, जब आपके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। आप लोग को बता दे भाई बहनों, आपका एक सरकारी बैंक में जनधन खाता भी होना जरूरी है, तभी आपको सरकारी योजना का फायदा मिल पाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण खबर ये निकल के आ रही है, जिनका भी जनधन खाता है उनका जनधन खाता उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, तभी आप लोगों को मिलेगा पूरा 5,000 रुपए की धनराशि सीधे आपके जनधन खाता में। भाई बहनों, ये वीडियो मात्र 1 से 1.5 मिनट का होगा, अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो यकीन मानिए एक आवेदन करके आप लोगों को सिर्फ अपने जनधन खाते में मिल सकता है 5,000 रुपए की धनराशि। अब आपका हम समय नष्ट नहीं करते हैं, चलिए आपको हम बताते हैं कि कैसे आपके घर की कन्या को, महिला को, आपको आपके जनधन खाते में 5,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन भाई बहनों वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि आप लोग और हम लोग आपस में जुड़े रहें और आपके लिए हम ऐसे ही सरकारी योजनाएं लाते रहें। आपको बता देना चाहते हैं भाई बहनों, अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं, आप ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, आप गरीब रेखा में आते हैं, दिल्ली सरकार ने मई के महीने में जिन लोगों के पास भी PSB बैच था उन लोगों को दिया है पूरा 5,000 रुपए की धनराशि उनके जनधन खाते में। और अगर आप अभी तक ये पैसा नहीं पाए, अपना PSB बैच बनवाएंगे, आपको ऑटोमेटिक आपके जनधन खाते में 5,000 रुपए की धनराशि दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसफर की जाएगी। अब दूसरी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 लाख श्रमिक भाई बहन, मजदूर भाई बहन, गरीब वर्ग के भाई बहन और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले जितने भी भाई बहन हमारे हैं उनके खाते में पूरे 1,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर दी है। अगर आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बन रहे हैं, आप लोग CSC केंद्र में जाकर अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं और आपका अगर गरीबी रेखा में नाम होगा तो आपको भी हर सरकारी योजना का फायदा मिलेगा और आपको भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर सरकारी योजना का फायदा मिलेगा। जैसे अभी भारत सरकार ने तुरंत 23 लाख लोगों के खाते में 1,000 रुपए भेजे, आपको भी ऐसी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता रहेगा। अब आखिरी खबर निकल के आ रही है झारखंड की तरफ से, जहां पर झारखंड में जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, जो लोग गरीबी रेखा में आती हैं, उन लोगों को मिलेगा 1,000 रुपए की धनराशि आने वाले 5 महीने तक। लेकिन इनमें सिर्फ उन महिलाओं कन्याओं को जगह मिलेगी जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं, आशा वर्कर हैं, कार्यरत हैं, जैसे सरकारी स्कूल में खाना बनाना, इस तरीके का, उनको मिलेगा 1,000 रुपए की धनराशि। झारखंड सरकार ने यह कदम इसीलिए उठाया है ताकि कोरोना काल के संकट में समय में थोड़ी आर्थिक मदद मिल सके हमारी बहनों को। तो भाइयों बहनों, भारत के जिन जिन राज्यों से जो खबर निकल के आ रही थी वो हमने आपको अपडेट दे दी और बता दी। हर न्यूज ओरिजिनल है, एकदम पक्की है। आप लोग अगर हर सरकारी योजना के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लें।